तो हेलो गाइस, मैं विनोद मालवीय VM एडिटर यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे आपको इस प्रकार से फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सबसे पहले गाइस यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के बाद गाइस इस प्रकार का बैकग्राउंड लेना। तो गाइस बैकग्राउंड का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस बैकग्राउंड ओपन करने के बाद गाइस अब चलेंगे यहाँ पे एक फ़ोटो पे ऐड करेंगे, ऑप्शन को स्क्रॉल करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गैलरी ओपन हो जाती है। तो गैलरी में से आपको यहाँ से गाइस एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से एक फ़ोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फटाफट से गाइस एक फ़ोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस फ़ोटो को ऐड करेंगे गाइस, यहाँ से ऐड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो गाइस बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अपन यहाँ पे चलेंगे कैंची वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ प्रेशर वाला ऑप्शन मिल जाता है अपने को, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ समय लगेगा प्रोसेस। तो गाइस प्रोसेस लगने के बाद जैसे कि यहाँ पे कुछ रह जाता तो आपको यहाँ पे इसको रिस्टोर कर लेना, ठीक है गाइस। जैसे कि ये रह गया यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद, तो गाइस इस प्रकार से इसको आप रिस्टोर कर लेना, ठीक है। तो गाइस अगर कुछ रह जाता तो आप रिस्टोर करके उसको इस प्रकार से गाइस जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपका जो फोटो है इसका बैकग्राउंड अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, देखने में औसम सा लगेगा। इसको सेव करेंगे, उल्टे तीर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस देखिए बंदे का अच्छी तरह ग्राउंड क्लियर हो गया यहाँ से। तो इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, तो गाइस खींच के लाएंगे बंदे को। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे इस प्रकार से। गाइस इतना भी एडजस्ट करने के बाद अब इसका शेडो बनाएंगे। शेडो PNG ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा चालू रखना है, ठीक है गाइस। डाटा चालू रखने के बाद गाइस सब चलेंगे यहाँ पे स्टिकर बटन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे यहाँ सर्च बटन पे पहले से मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी सर्च कर लेना शेडो PNG, इस प्रकार से शेडो PNG आएगा तो उसको ऐड कर लेना आप। तो गाइस देखिए इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पहले तो छोटा करेंगे इस प्रकार से, ठीक है गाइस। उसके बाद इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे। तो गाइस इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे, हल्का सा इसको प्लस में ले चलेंगे इस प्रकार से। गाइस इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ की खींच के लाएंगे। तो गाइस इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अपना वो फोटो हिल गया, तो गाइस इसको एडजस्ट करेंगे पहले तो। गाइस यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना इस प्रकार से, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको एडजस्ट करने के बाद इसको दोबारा यहाँ पे इसको खींच के दोनों फिंगरों के बीच से इसको यहाँ पे ला के इसको गाइस इसके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। शेडो को इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐड करेंगे। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे। तो गाइस इसको मूव डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मूव डाउन करने के बाद डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस इसका डुप्लीकेट हो जाएगा एक। तो गाइस डुप्लीकेट खींच के यहाँ ले आएंगे अगले पैरों के पास। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर देंगे गाइस इस प्रकार से, ठीक है गाइस। इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे, उसके बाद मूव डाउन कर देंगे, ठीक है गाइस। तो लग रहा है यहाँ पे शेडो कंप्लीट बन के तैयार हो गया अपना। उसके बाद अब चलेंगे गाइस यहाँ पे यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस। अपना फोटो मस्त तरीक़े से बनकर तैयार हो गया गाइस। तो गाइस अब चलेंगे यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे गाइस इफेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे इफेक्ट बटन खुल जाएगी, ऑप्शन मिल जाता है आपको, कलर से क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे सेचुरेशन का ऑप्शन है तो इसको भी क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस इसकी सेटिंग देखेंगे, यहाँ से सेटिंग लगभग 70% है तो अपन रखेंगे 50-55 के बीच, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। तो गाइस देखिए अपना यहाँ पे फोटो एकदम मस्त तरीक़े से बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस देखिए लग रहा ना वास्तविक, ठीक है। तो गाइस जैसे ही फोटो एडिटिंग सीखने के लिए अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, और एक लाइक तो जरूर करके जाना, ठीक है गाइस। इसको सेव करेंगे, उल्टे तीर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। धन्यवाद गाइस, थैंक यू आज के लिए।